अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कासिम, आप देख रहे हैं कासिम ट्यूट्स। तो दोस्तों, आज की कैनवा क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू ब्लेंड टू इमेजेस इन कैनवा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि दो पिक्चर्स को आपस में परफेक्टली मिलाना किस तरह से, उनको जोड़ना किस तरह से, ब्लेंड किस तरह से करना है, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को मैंने तीन स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स ले ली हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का साइज़ जो है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो है आपने पिक्चर्स को ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है एलिमेंट्स पे और यहाँ पर आपने सर्च करना है वाइट ग्रेडियंट। इसको सर्च करने के बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वाइट ही रिकमेंड करूँगा। और आपने यहाँ से एक ग्रेडियंट ले लेना है, उसको आपने पिक्चर के साथ एडजस्ट करना है इस तरह से, ठीक है जी। अब आपने इस ग्रेडियंट को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने का आसान तरीका जो है वो ये है कि आपने ऑल्ट की को प्रेस करना है और इसको माउस के साथ इस तरह से मूव करना है, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो आपने इस तरह इसके मल्टीपल डुप्लीकेट जो हैं वो क्रिएट कर लेना है, यहां तक कि इसकी जो एक साइड है वो बिल्कुल वाइट ना हो जाए। तो ये डुप्लीकेट्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमने इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहां पे इनको ग्रुप को क्लिक कर देना, तो ये सारे आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, यहां पे मूव करेंगे यहां तक। आपने अपनी पिक्चर के हिसाब से ग्रेडियंट को एडजस्ट करना है। अब आपने इस ग्रेडियंट को कॉपी करना है कंट्रोल सी, उसके बाद दूसरी पिक्चर पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी। अब इस पिक्चर पर भी हम इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे 180 के एंगल पे और यहां से इसको हम मूव कर देंगे, ठीक है जी। तो यहां पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं जी हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इन दोनों पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपने शेयर के बटन पर जाना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये दोनों पिक्चर जो हैं ये डाउनलोड हो जाएंगी, तो आपने इनको दोबारा से कैनवा के ऊपर अपलोड करना है। अब ये हमारी दोनों पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं। हमने क्या करना है, अब एक और पेज जो है उसको हमने यहाँ पे ऐड करना है और उसमें हमने इन दोनों पिक्चर्स को भी ऐड करना है। पहली वाली पिक्चर को लेंगे, इसके साइज को एडजस्ट करेंगे यहाँ तक, उसके बाद दूसरी पिक्चर को इसके ऊपर बिल्कुल इसके बराबर जो है साइज में हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो आपकी ऊपर वाली पिक्चर है उसकी आपने ट्रांसपेरेंसी जो है उसको कम कर देना है, यहाँ से आपने उसको 50% कर देना है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह की पिक्चर आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं जी अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जिसको कि थर्ड स्टेप कहेंगे हम। और उसमें आपने इस पिक्चर को जो आपने सेकेंड स्टेप में क्रिएट की थी उसको आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे पेजेस पे आके, क्योंकि पहले वाली पिक्चर्स हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, उनको हम डाउनलोड नहीं करेंगे, थर्ड वाली को हम डाउनलोड करेंगे, डन करेंगे, यहाँ से ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। तो इस पिक्चर को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक और पेज आपने सिलेक्ट करना है, ये हमारा फाइनल स्टेप है। और यहाँ से आपने उस पिक्चर को कैनवा पे दोबारा से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसके कलर को एडजस्ट करना है। कलर को एडजस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे एडिट फोटो पर आना और सबसे पहले यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे आप और ब्राइटनेस जो है उसको आपने कम कर देना। ये जो वैल्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपने सेम इन्हीं वैल्यूज़ को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपकी पिक्चर जो है उसके कलर्स वगैरह मुख्तलिफ होंगे, तो आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ को अप्लाई करना है ताकि आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ से कंट्रास्ट को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ जी, 80 कर दूँगा और यहाँ से वाइब्रेंस जो है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं जी 60 तक।
और फिर यहाँ से सेचुरेशन जो है इसको भी मैं 80 कर देता हूँ। तो ये पिक्चर जो है ये हमारी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। मज़ीद आप एडजस्ट करने के लिए यहाँ से ब्राइटनेस को और कम कर सकते हैं और कंट्रास्ट को यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी पिक्चर जो है ये रेडी है। इस पिक्चर में और इसमें आप फ़र्क जो है वो देख सकते हैं। और फिर आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड के बटन पर आना है और यहाँ से जो पीछे हमारी पिक्चर्स थी उनको डीसेलेक्ट करके इसको हमने सेलेक्ट कर देना है। तो ये हमारी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी और ये मेथड आप किसी भी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से जो है आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी है जी फाइनल पिक्चर। आप मज़ीद टाइम दे के इसको मज़ीद इसके अंदर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको मेथड बताया है, आगे मज़ीद इसके अंदर आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।